शख्स एक नाम अनेक, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के सर्टिफिकेट्स भी अनेक तो कॉन्ट्रोवर्सीज भी अनेक। ये कहानी है पूजा खेड़कर की, पुणे की IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना किया, अभी भी सवालों के घेरे में है। इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर आज एक नया एलिमेंट मैं आपके लिए सामने लेकर आया हूँ। इस नई कहानी को दो हिस्सों में आप बांटिए। पहली कहानी पूजा के अलग अलग नामों को इस्तेमाल करने को लेकर है, दूसरी कहानी पूजा के एक साथ अलग अलग अस्पतालों में फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के एप्लीकेशन को लेकर है। पहली कहानी की बात करते हैं, क्यों पूजा ने अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया। साल 2021 में पूजा ने UPSC का एग्ज़ाम अपीयर किया, जिसमें उनकी रैंक आई और उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग की। लेकिन इससे पहले भी साल 2019 में भी पूजा ने UPSC का एग्ज़ाम दिया था, इसके अंदर भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। साल 2019 के एग्ज़ाम की आप ये शीट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट शीट है। इस शीट के अंदर आपको पूजा का नाम नज़र आएगा। अगर आप इस नाम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको खेड़कर पूजा दिलीप राव नाम का एक नाम इस शीट के अंदर नज़र आएगा। ये पूजा खेड़कर ही हैं जिनका जिक्र इन दिनों हम इस नई कॉन्ट्रोवर्सी में सुन रहे हैं। यानी साल 2019 के UPSC एग्ज़ाम में पूजा ने अपना नाम पूजा खेड़कर दिलीप राव के नाम से इस्तेमाल किया। दिलीप खेड़कर उनके पिताजी का भी नाम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन रहता है कि बच्चे अपने नाम के पीछे अपने पिताजी का फर्स्ट नेम यूज़ किया करते हैं, जितनी हमारी सीमित समझ है। बहरहाल अब आप इसमें आगे बढ़िए। साल 2019 में जब उन्होंने UPSC क्वालिफाई किया तो इसी साल आगे चल के उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी भी मिली, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। इस नौकरी के अंदर भी पूजा ने अपना यही नाम जमा कराया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल रिलीज़ देखिए। इस रिलीज़ में आपको पूजा का नाम नज़र आएगा और नीचे दिखाई देगा खेड़कर पूजा दिलीप राव, इसके बगल में LV और PWD दिखा हुआ है। पूजा ने इस जॉब के अंदर अप्लाई करते टाइम लो विजन का सर्टिफिकेट लगाया, नाम अलग दिया, और अलग नाम क्यों दिया इसका कारण आपको आगे पता चलेगा। बहरहाल आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साल 2021 के UPSC एग्ज़ाम की बात करते हैं। साल 2021 के UPSC एग्ज़ाम में पूजा ने फॉर्म भरते टाइम एक दूसरे नाम से फॉर्म भरा गया पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। इस नाम का रिज़ल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये साल 2021 के UPSC एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है जिसके अंदर आपको पूजा का नाम नज़र आ रहा है। जब इस एग्ज़ाम के बाद मेडिकल के चलते पूजा को दिक्कतें हुई तो वो कैट कोर्ट में गई। कैट कोर्ट में जाकर पूजा ने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर ही बताया, लेकिन इस दौरान वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी कर रही थी, ये भी उन्होंने कैट कोर्ट को बताया। और कैट कोर्ट को बताते टाइम जब उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो आप ध्यान रखिए कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जिस नाम से उनकी नौकरी थी वो नाम अलग है। दूसरी कहानी ये है कि पूजा ने एक साथ अलग अलग जगह पर फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई क्यों किया। साल 2018 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से पूजा ने लो विजन का सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लिया था, जिसके अंदर उन्हें 40% लो विजन डिसेबिलिटी बताई गई थी। ये बात अहमदनगर की अथॉरिटीज़ ने अभी हाल ही में इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपनी रिपोर्ट में जमा कराई है। इस पर अलग अलग मीडिया हाउसेज ने डिटेल खबर भी की है। अहमदनगर से मिले इस लो विजन फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल पूजा ने साल 2019 में UPSC के एग्ज़ाम के अंदर किया, और इसी फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने नौकरी भी पाई आगे चलकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। लेकिन अब बात आई साल 2022 की, जब उन्होंने दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। इस एग्ज़ाम के अंदर आप उनकी कैटेगरी अगर देखेंगे तो PWD कैटेगरी 5 यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंदर उनको डाला गया है। साल 2022 के अगस्त महीने में पूजा ने पुणे के दो अलग अलग अस्पतालों में एक साथ फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई किया, पुणे का डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल और साथ ही साथ YCMH हॉस्पिटल। इन दोनों ही अस्पतालों में पूजा का फिजिकल डिसेबिलिटी टेस्ट होना था। YCMH हॉस्पिटल ने पूजा को 7% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया, किसी पुराने ACL टीयर के चलते, यानी कि घुटने में एक चोट के चलते। लेकिन सिविल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने पूजा का डिसेबिलिटी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, जिसका कारण हुआ डबल सबमिशन। UDID यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी ID एक होती है जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, इसमें देखकर सिविल अस्पताल को ये पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, YCMH से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो दूसरी जगह से इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सिविल अस्पताल के सर्जन साहब ने ये उनको बताया है। 24 अगस्त को YCMH अस्पताल से पूजा को फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिला और 11 अक्टूबर को सिविल हॉस्पिटल ने पूजा का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी एक सवाल है कि एक साथ भला दो अलग अलग जगह वो एप्लीकेशन क्यों लगा रही थी। अब फाइनली अगर आप समझना चाहें तो पूजा के पास तीन फिजिकल डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स हैं। पहला सर्टिफिकेट जो साल 2018 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उन्हें दिया लो विजन का,
40% डिसेबिलिटी। दूसरा सर्टिफिकेट द YCMH हॉस्पिटल से उन्हें मिला 7% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इन नी इंजरी की वजह से। और तीसरा सर्टिफिकेट जो उन्होंने फिर से अहमदनगर से लिया वो मेंटल इलनेस का है। लेकिन इन सारे सर्टिफिकेट का इस्तेमाल उन्होंने अलग अलग समय अलग अलग नौकरियाँ पाने के लिए किया। दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं।